मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा के अशरफी पाड़ा मंडी में। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो है पाड़ों की मंडी लगाई गई है, क्योंकि बकरा ईद का त्यौहार जो है वो नज़दीक आने वाला है। इसलिए मुंब्रा शहर के जो लोग हैं वो कुर्बानी के लिए जो जानवर खरीदने जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें जो है काफ़ी दूर जाना पड़ता है ख़रीदारी करने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि ये अशरफी पाड़ा मंडी जो है ये आप शिमला पार्क तालाब से जब आई लव कौसा लिखा हुआ है जहाँ पर वहाँ आएंगे, उसके बाद वहाँ से महटा कॉलोनी के लिए जैसे ही अंदर आएंगे यहाँ पर अशरफी पाड़ा मंडी जो है लगाया गया है। दरअसल ये पाड़ा मंडी जो है मुंब्रा शहर के सहूलियत के लिए लगाया गया है। जो इसके जिम्मेदार है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कितने सालों से यहाँ पर ये पाड़ा मंडी लगाई जा रही है। सिकंदर भाई क्या बताएंगे आप, कितने सालों से यहाँ पर ये पाड़ा मंडी लगाई जा रही है? 6 साल हो गया ये पाड़ा मंडी को यहाँ पे, और 6 साल से यहाँ पे पाड़ा मंडी लग रही है। माशाल्लाह अच्छे से सब सिस्टम से इंतजाम किया जाता है और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं। अल्लाह का एहसान है कि अच्छे से सब मैनेज हो जाता है। अच्छा, इसको लगाने के लिए कुछ परमिशन वगैरह जो प्रोसेस होता है वो पूरा किया हुआ है? बिल्कुल, हम लोग पूरा 6 साल से, इसके पहले तो नहीं पता, लेकिन हम लोग जब से लगा रहे, जब से हम लोग बिल्कुल TMC से पूरा परमिशन, पुलिस से, NOC, हर चीज़ हम लोग लेते हैं। लेकिन क्या होता है, कोई चीज़ें उनका प्रोसेस होता है और उनके प्रोसेस तक हम लोग वेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बकरीद का टाइम कम रहता है, बाहर से जानवर आने रहते हैं और इंतज़ाम पूरा करना रहता है। तो हम लोग अपना इंतज़ाम करके चीज़ें रेडी करते हैं, लेकिन परमिशन हर जगह से अवेलेबल हो जाती है हमारे को। अच्छा जी, कहाँ कहाँ से जो है पाड़े आए हैं, क्या महाराष्ट्र के हैं पाड़े या फिर महाराष्ट्र से बाहर के भी यहाँ पर आए हैं, थोड़ा आप बताएंगे? ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि महाराष्ट्र के ही आसपास के पाड़े रहते हैं और नज़दीक के, और फिर नागपुर, महाराष्ट्र के बॉर्डर वगैरह से जितना अच्छे से जहाँ से मिल जाए वहाँ से पाड़े आते हैं यहाँ पे तकरीबन महाराष्ट्र। तो अभी फिलहाल कितना यहाँ पर जो है आपकी दो मंडी देखी जा रही है, यहाँ भी है और एक बगल में भी है वहाँ पर, ये दोनों आप ही लोग? दो मंडी नहीं है ये, कैसा है कि ये जो शेड है इसकी साइज़ आती है, तो इसकी वजह से इसको पार्ट में बनाया जाता है कि दो पार्ट में इंतजाम किया जाता है। और ये जानवर कम, अभी 1200-1300 जानवर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हो गए हैं, और उम्मीद है कि 10 दिन में कम से कम इतने या इससे और 1.5 गुना ज़्यादा जानवर आएंगे, क्योंकि लोगों को जो कस्टमर है आज अल्हम्दुलिल्लाह, ग्राहकी लोग जो यहाँ पे जो लाए हैं माल, उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि 10 दिन पहले, आज पहला संडे पड़ा है, लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोग खुश हैं कि हम लोग और माल मंगाने की सब लोग तैयारी में हैं। अच्छा, रेट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, तो क्या रेट से आपके यहाँ पर है, सबसे लो से लेके सबसे हाई रेट तक क्या है? 20,000 से लेकर के अभी कैसा है कि कोई अच्छा खूबसूरत चीज़ आ जाती है तो उसकी कीमत तो अपने ऊपर रहती है जितनी भी रख दो, लेकिन एक लो में कैसा 20,000 तक का रहता है इंतजाम यहाँ पे, 20,000 तक के जानवर रहते हैं। जो जानवर आपके यहाँ आ रहे हैं, क्या डॉक्टरी चेकअप वगैरह होके यहाँ पर आ रहे हैं? बिल्कुल, जो भी जानवर आ रहे हैं डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ में आ रहे हैं, बाजार की पौती के साथ में आ रहे हैं, पूरा लीगल तरीके से आ रहे हैं। हर एक जानवरों की आपको पौती मिलेगी, हर जानवरों की डॉक्टर सर्टिफिकेट मिलेगी, सब पूरा एकदम सिस्टम से आ रहा है, कोई इनलीगल तरीके से कोई चीज़ नहीं होती यहाँ पे। हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें किधर लीगल तरीके से हो यहाँ पे। अच्छा, आप ये बताइए, जिस तरह से बकरीद का त्यौहार आने वाला है, ऐसे में कुर्बानी करने के लिए काफ़ी लोगों को जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, कहाँ वो कुर्बानी करें, आप लोगों की तरफ से कोई कुर्बानी करने का कहीं पर स्लाटर हाउस वगैरह बनाया जा रहा है? नहीं, हम लोग के इधर स्लाटर हाउस का इंतजाम किया गया है और 6 साल से स्लाटर हाउस यहाँ चालू हुई है, हम लोग करते ही है, जो हम लोग TMC से परमिशन लेते हैं, तो हमारे इधर स्लाटिंग हाउस का सिस्टम है, स्लाटरिंग कर सकते हैं। जानवरों के बारे में क्या बताना चाहेंगे, जिस तरह से पाड़ा मंडी आप लोग कई लोग मिलकर लगाए हुए? जानवर तो कैसा है भाई, कुर्बानी आपको जैसा जानवर लेना है, आपकी कोई खूबसूरत देखता है, कोई गोश्त देखता है, कोई क्या देखता है, अपने चॉइस का भी ले लेता है जानवर, अपने अपने चॉइस से कोई जानवर ले ले गए वैसा लेता है। अच्छा, एक यहाँ पर जो है पाड़ा वो सबसे अलग दिखाई दे रहा है, जो वहाँ पर बांध के रखे हुए, तो ये अलग क्यों रखा गया है, क्या किस जगह से इसको लाए हैं आप लोग, और इसका रेट कितना है? इसका 80,000 कोट कर रहे हैं हम लोग बाड़े का, और ये पाड़े की खूबसूरती देखो अच्छी है, और ये गोल गोल है एकदम से, तो जैसा लेना चाहे वैसा ले, इसलिए उसको अलग से रखे, अभी ऐसे और पाड़े आने वाले हैं।
और भी ऐसे ऐसे भारी भी पाड़े आ रहे हैं। लोगों की एक्चुअली डिमांड क्या है, क्या इसी तरह से जो पाड़े है उनकी डिमांड ज्यादा है या जो यहाँ पर आप लोगों ने मंडी में रखे हैं उस तरह की? डिमांड तो यही लोगों की ज्यादा होती है, लेकिन ये क्या सब जो चॉइसेबल लोग होते हैं जिनको बड़ा वाला चाहिए और गोल गोल चाहिए तो वो ये लेके जाते हैं, और डिमांड ज्यादा करके छोटे को ही चलती है। मतलब आपके यहाँ पर मिनिमम जो है 20,000 से लेके 80,000 रुपए, 80,000 लाख सवा लाख वाला भी है, तो जैसा आपको पसंद है वैसा आप ले सकते हो। और अभी और जानवर भी अभी और आने वाले हैं, तो आप इंशाल्लाह वापस आइए आपको और जानवर मिलेंगे देखने के लिए। तो आपने सुना कि ये अशरफी पाड़ा मंडी है और ख़ास तौर पर जो मुमरा के लोग हैं उनके सहूलियत के लिए यहाँ पर ये पाड़ा मंडी जो है लगाई जाती है। करीब 6 साल से यहाँ पर लगाई जा रही है। अगर आपको भी यहाँ पर ख़रीदारी करनी है तो आप भी जो कौसा शिमला पार्क तालाब है उससे आगे आएंगे आप, तो वहाँ पर लव कौसा मुमरा लिखा हुआ है, वहाँ से सीधा आपको जो है लेफ्ट लेना है और यहाँ महाडा कॉलोनी की तरफ आना है जहाँ ये अशरफी पाड़ा मंडी जो है लगाई गई है।